अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज है हमारी वर्ड की सेकंड क्लास और लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप वर्ड ओपन कर लीजिए। वर्ड ओपन करने के बाद हमने जो लास्ट डॉक्यूमेंट बनाया था, हम उसी को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एक ये विंडो होती है, एक ये वाली विंडो होती है। मैंने आपको बताया था ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रीसेंट क्या होता है। रीसेंट का मतलब ये है, आपने जो भी रीसेंट काम किए हैं, जो भी रीसेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, तो उनमें से कुछ को ये यहाँ पे लिस्टेड कर रहा होता है, और इसमें से आप जो भी चाहें फाइल वो सेव कर लें। लास्ट क्लास में जैसे हमने असद रहीम रिज्यूम बनाया था, तो मैं चाहता हूँ कि ये रीसेंट डॉक्यूमेंट जो मेरा वेरी रिसेंटली डॉक्यूमेंट था वो ये था। मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से आके सिंपल इसको क्लिक करूँगा तो मेरा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये है आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं इस रीसेंट डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा डॉक्यूमेंट ये ओपन हो जाएगा। यकीनन आपको याद आ गया होगा कि हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं आज। कोशिश मेरी ये होगी कि छोटी क्लास हो ताकि आप सीख सकें और छोटी छोटी चीज़ें करके आप कुछ बड़ा कर सकें। अगर आप देखें इधर, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये, और यहाँ पे अगर मैं कोई नाम लिखना चाहूँ, मैंने लिखा असद रहीम। असद रहीम लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज़ को इनक्रीज़ कर लेता हूँ या यहाँ से भी आके कर सकता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर जो ये स्टाइल नज़र आ रहा था, यही स्टाइल यहाँ पर इस हेडिंग के तौर पर लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ या इनमें से कोई भी, तो उसका प्रीव्यू नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसलिए होता है कि अगर आप कोई बना बनाया फॉर्मेट लेना चाहते हैं, आपको वो अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये चीज़ मैंने अलग से लिखी, ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ अप्लाई हो जाए, तो इसको आपने सिंपल सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने कोई भी एक स्टाइल ले लेना है, जैसे कि ये। तो इसे हम मिटा देते हैं, असद रहीम। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे जो फिल है और जो इसकी आउटलाइन है, वो सिर्फ लाइट और डार्क का फ़र्क है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो आउटलाइन है वो इसी कलर में रहे, मगर इसका फिल जो है वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए मुझे सिंपल क्या करना होगा कि इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप आएँ तो लिखा है फॉन्ट का कलर। तो फॉन्ट कलर यहाँ से आके आप कोई भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ग्रीन कलर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का फॉन्ट आ गया है, और इसका जो बॉर्डर है, जो इसकी आउटलाइन है, वो उसी कलर में है। अभी चूंकि बहुत ज़्यादा बारीक लाइन है, इसलिए आपको फील नहीं हो रहा होगा। मैं दोबारा इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ। आउटलाइन में आके आउटलाइन का वेट, यहाँ से हम इसका वेट बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसका वेट बढ़ाऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस फॉन्ट को मज़ीद अगर बड़ा करूँ तो यहाँ पर अंदर ग्रीन और इसका बॉर्डर डिफरेंट कलर में नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अंदर का कलर चेंज हो जाए, तो मैं फॉन्ट कलर पे आऊँगा, यहाँ पर आके मैं कह देता हूँ येलो, तो अंदर येलो हो गया। मैं चाहता हूँ उसका बॉर्डर जो इस वक्त ऑरेंज से या रेड से कलर में नज़र आ रहा है, मैं इसको चाहता हूँ ये ब्लू हो जाए, तो मैं फिर यहाँ पर आऊँगा आके आउटलाइन, आउटलाइन के अंदर आके मैंने कहा कि ब्लू, तो यहाँ पर देखें ये ब्लू हो गया। तो ये कस्टम फॉर्मेटिंग कहलाती है, बात को मेरी ज़रा समझिएगा, ये कस्टम फॉर्मेटिंग कहलाती है। कस्टम फॉर्मेट में आप कोई भी एक बने बनाए फॉर्मेट के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हैं, उसे कस्टम फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब इसका फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा 26, और इसकी जो आउटलाइन है इसका वेट मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस तरह से, अगर मुझे ये सूटेबल लगता है। अब यही चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि अप्लाई हो जाए इसके ऊपर, तो ये किस तरह से होगी, इसके लिए एक नया फीचर है। क्योंकि बार बार मैं आऊँगा यहाँ पे आके कलर चेंज करूँगा तो ये मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखें आप, लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, इस फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, अगर आप इसको गौर से एक मिनट के लिए स्क्रीन पर देखें तो इस पर एक ब्रश सा बना हुआ नज़र आ रहा है। ब्रश कौन सा, जो आप कलर करते हैं दीवार पे। ये ब्रश का काम क्या है कि ये ब्रश आपने अगर इस पूरे फॉन्ट पे फेर दिया,
तो ये इसका सारा का सारा फॉर्मेट उठा के इसके ऊपर पेंट कर देगा। तो मुझे फॉन्ट स्टाइल कलर इसकी बॉर्डर आउटलाइन फिल जो भी चीज़ें हैं वो मुझे दोबारा इस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने इसी को चेंज कर दिया। अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर यानी इसका फॉर्मेट ये ब्रश से लेके और यहाँ पर आके सिंपल मैं ब्रश इस पे फेरूंगा तो ये इसका सारा फॉर्मेट जो भी मैंने किया है, मैंने इसलिए आपको बताया था कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट साइज उसका फिल उसका बॉर्डर उसका शेडो उसका ग्लो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब का सब आपका फॉर्मेटिंग कहला रहा होता है। तो फॉर्मेटिंग मैंने जो भी की वंस एक दफ़ा मैं किसी चीज़ पे अप्लाई कर दूंगा फिर उसका फॉर्मेट जो भी मैंने बनाया है मैं जिस चीज़ पे भी चाहूँ मैं फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए कर सकता हूँ। तो आगे आते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर असद रहीम पे एक और फीचर ऐड करते हैं। यहाँ पर आके मैं कहता हूँ शेडिंग, शेडिंग में आपको बताएगा कि जो भी आपने कलर लेना है वो इसके पूरी लाइन के ऊपर पूरी रॉ पे ये वही शेड दे देगा वही कलर दे देगा। मैं अगर ये नहीं लेना चाहता तो मैं यहाँ से कर दूंगा नो कलर। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद शेडोज, शेडो में अगर आप आते हैं तो देखें डिफरेंट टाइप के शेडो यहाँ पे दिखा रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे चाहिए ये वाला शेडो तो यहाँ पे देखें ये शेडो मौजूद है जबकि यहाँ पर ये शेडो मौजूद नहीं है। अब चूंकि इसका फॉर्मेट डिफरेंट हो चुका है तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर लेके इस पे भी वही शेडो मौजूद है अब, और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर दोबारा कॉपी किया और इस पे फेरा तो इस पे भी वही शेडो आ गया है। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं। बराबर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अच्छा टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, जो नॉर्मल रूटीन में हम घरों में स्कूल ऑफिस में यूज़ करते हैं हाईलाइटर, तो वो हाईलाइटर के तौर पे अगर आपने कोई चीज़ करनी है यूज़ तो आप यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ से आके मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ से अगर मैंने इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से आके इसको मैं कर दूंगा। टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी डिफरेंट कलर्स के अंदर मौजूद होता है। मैं अगर येलो नहीं चाहता मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इस एरो को खोल के मैं किसी भी कलर का हाइलाइटर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आपका है टेक्स्ट हाइलाइट कलर। उसके बाद आ जाते हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर ली, एजुकेशन से लेके और यहाँ तक। मैं कहता हूँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मैंने जितने भी चीज़ें इस पे अभी तक अप्लाई की हैं मैं सबका सब फॉर्मेट क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल सारे चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से आके मैं इसको इसका फॉर्मेट ज़ीरो कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें सारे के सारे ये अपने नेचुरल लुक में आ गए जो कि आपका डिफ़ॉल्ट था कैलिब्री 11 फॉन्ट साइज। चूँकि ये बैक साइड पर हुआ हुआ था तो यहाँ से आके हाईलाइट मुझे अलग से हटाना पड़ेगा। नो कलर, हमारे पास टेक्स इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी हो गई, फॉर्मेट पेंटर हो गया, इंक्रीज डिक्रीज हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मेटिंग क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे एक हमारे पास नया फीचर है चेंज केस। चेंज केस का मतलब अगर मैं चाहता हूँ ये सब कैपिटल में हो तो मैं इसको सिंपल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से आके मैं इसको कह दूँगा अपर केस, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये लोअर केस में हो तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी दो वर्ड हैं असद रहीम तो असद का ए बड़ा हो जाएगा रहीम का आर बड़ा हो जाएगा। सेम चीज़ मैं यहाँ से आता हूँ मैं कहता हूँ टूगल केस तो ये उल्टा करेगा, पहला वर्ड छोटा होगा और बाकी सारे वर्ड बड़े होंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका टी छोटा है बाकी सब बड़े हैं, केस का सी छोटा है बाकी सब बड़े हैं। सेम चीज़ अप्लाई कर देते हैं हम तो असद का ए छोटा हो गया और रहीम में आर छोटा हो गया। तो ये कुछ इसके फॉर्मेट्स हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पूरा एक पैराग्राफ मौजूद है तो उस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो पहला वर्ड होगा वो बड़ा होगा बाकी सब छोटे होंगे। एक और फीचर होता है यहाँ पे हमारा इंडेंटिंग का। इंडेंटिंग क्या होती है ये देख लेते हैं। इंडेंटिंग ये होती है कि मैं अभी दोबारा से इसको फॉर्मेट पेंटर लेके एजुकेशन के ऊपर फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा इसको कॉपी किया
इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। मैं इन तीनों लाइंस को लेके यहाँ से कर देता हूँ इस पर अप्लाई बुलेट्स, और यहाँ से कर देता हूँ मैं इस पर भी बुलेट्स। तो ये बुलेट्स का काम बेसिकली क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये एजुकेशन, और ये देखें तो आप एक लाइन में आ रहा है, मैं अगर इनमें से किसी भी एक को या तीनों को मज़ीद आगे लेके जाना चाहता हूँ तो ये स्पेस से आगे आएगा, ये देखें, मगर मेरी बुलेट वहीं की वहीं मौजूद रहेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बुलेट भी आगे आए, तो मैं सिंपल उस लाइन पर आऊँगा, आके यहाँ से करूँगा इंक्रीज़ इंडेंट। ये इंडेंटिंग को इंक्रीज़ करेगा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैंने तीन दफ़ा इसको किया तो ये तीन स्टेप आगे आ गया। मैं इसको अपने हिसाब से जितना भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये इंक्रीज़ हो गया, यहाँ से आके मैं इसको डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंटिंग ये होती है। आज की क्लास में हमने फॉर्मेट पेंटर पढ़ा, हमने उसके अलावा टेक्स्ट अफेक्ट एंड टाइपोग्राफी पढ़ा, हमने टेक्स्ट हाइलाइटर पढ़ा, हमने फॉन्ट कलर पढ़ा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और डॉक्यूमेंट मैंने नया इसलिए नहीं बनाया कि ताकि क्लास छोटी रहे और आप चीज़ों को सिर्फ समझ के इसी पे प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टेम्पलेट्स पढ़ेंगे और टेम्पलेट्स के अंदर हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।